with a slow motion crew. Pull me up in a growlin's when people change, but not. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin. So, guys, इसको बहुत दिनों से हमने बाहर भी नहीं निकाला है, लॉकडाउन चल रहा है, तो सोचा कि इसको थोड़ा सा स्टार्ट करके थोड़ा सा ऑयल सर्कुलेशन कर देते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हमें बाइक है तो आप थोड़ा बहुत इसको स्टार्ट करके रखिए। गाइस, आज का जो टॉपिक है, इसका जो हेडलाइट है, इसको कैसे कैसे एडजस्ट करना है। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, और उसने ये भी कमेंट किया था कि आप ये जो इसका सीट है, ये इसका सीट है, सीट खोल के दिखाइए, और इसके अंदर कोई कौन सा बैटरी आता है, कौन कौन सा टूल किट देता है कंपनी से, वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए। सो अभी हेडलाइट का थ्रो है, यहाँ तक आ रहा है, तो इसको मेरे हिसाब से थोड़ा सा उठना पड़ेगा। लाइट नीचे की तरफ जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसका जो हेडलाइट है, इसके नीचे ही ये वाला एडजस्टमेंट दिया हुआ है, देख सकते हैं। सो इसको कैसे एडजस्ट करना है, पहले इसमें देख सकते हैं 10 नवंबर का बोल्ट लगेगा, तो पहले इसको लूज़ करते हैं। यहाँ पे जो देख सकते हैं मिडिल में है, तो मुझे अगर हेडलाइट को उठाना है तो सिंपली इसको थोड़ा सा आगे की तरफ करना पड़ेगा। अगर मुझे डाउन करना है तो मुझे इसको लाइक इसमें करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, इसको लूज़ करते हैं पहले। 10 नंबर का यहाँ पे जो बोल्ट है 10 नंबर का है, तो इसको मैं थोड़ा सा लूज़ कर लेता हूँ। ओके, बस हल्का सा लूज़ करना है। अब मुझे क्या करना है, इस हेडलाइट को जो है उठाना है, लाइट जो है नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको खींच के, या फिर यहाँ से देख सकते हैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा बस हल्का सा मैं और थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। अभी इस कंडीशन में हेडलाइट जो प्रॉपर हो गया है, और आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, क्योंकि रात का टाइम अभी नहीं है, तो मैं इसका बीम भी नहीं देख सकता। मैं ट्राई करूँगा अगर इसका बीम कहाँ पर कहाँ तक पड़ता है वो आपको दिखाऊँ। तो अभी इसका जो बीम है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ तक पड़ रहा है, तो मुझे इसका जो बीम है थोड़ा सा उठाना है। तो लाइक भाई इसको इसको प्लीज़ इग्नोर करना। तो इसको सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो सेटिंग है इसको मुझे थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा ऊपर की तरफ, तो इसमें इस तरीके से देख सकते हैं अभी थोड़ा सा ऊपर उठा है। तो मैं यहाँ पे आपको लाइट में दिखा रहा हूँ, तो बीम अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा उठाऊंगा, देख सकते हैं कितना ज़्यादा उठ गया है। तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा डाउन करते हैं। अब इसमें प्रॉपर तरीके से हो गया है, अब देख सकते हैं इसको टाइट कर देते हैं अच्छे तरीके से। बस, और ये आपका हेडलाइट जो है एडजस्टमेंट हो गया है, और ये हिलता भी नहीं है बिल्कुल प्रॉपर से, हमने इसको टाइट कर दिया है। तो यहाँ से आप हेडलाइट का जो एडजस्टमेंट है अप एंड डाउन, वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। बैटरी इसमें कौन सा है, और कंपनी ने क्या क्या इसमें टूल्स दिया है। तो पहले इसको चाबी निकालते हैं। किट खोलने के लिए आपको ये वाला चाबी का ज़रूरत पड़ेगा, और इसको थोड़ा सा इधर की तरफ करेंगे चाबी को, इसको और ये आपको, और इसको आप थोड़ा सा खींचेंगे, और इसको थोड़ा सा खींचेंगे, आपका पैनल जो है बाहर आ गया। बेसिकली ये पैनल का क्वालिटी मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, इसका जो पार्ट्स का क्वालिटी है ये वाला छोड़ के साइड का पैनल का बिल्कुल घटिया है, उतना प्रीमियम फील ही नहीं होता है। तो सिंपली इसको साइड में रखते हैं। ओके, और सीट को खोलने के लिए लाइक यहाँ पे एक ये दिया हुआ है, तो अब खींचना पड़ेगा, खींच के पीछे का जो है इसको उठाना पड़ेगा, इसको यहाँ से, ये आपका सीट जो है खुल गया। सो लाइक इसमें देख सकते हैं अंदर का साइड, बेसिकली यहाँ पे बैटरी दिया हुआ है, बैटरी 4 एम्पियर का, 5 एम्पियर का नहीं है, बट इसमें जिगा तो दिया हुआ है, इसमें 5 एम्पियर की बैटरी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पाउच, यहाँ पे आपका फर्स्ट एड किट जो भी है वही सब है, और यहाँ पे आपका फ्लैशर, यहाँ आपका CDI, यहाँ पे बैटरी, यहाँ पे एक फ्यूज़ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, और यहाँ आपका टेल लाइट, यहाँ पे आपका वो मैकेनिज्म लॉक का, और ये आपके इंडिकेटर्स का हो गया, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे रेगुलेटर एक्टिवर यहाँ पे, और इसके साथ एक इनबिल्ट कैपेसिटर होता है, ठीक है, 47 एम्पेयर का, आई मीन 4700 माइक्रोफैरड का, तो मैंने आपको दिखा था। और इसका टूल्स बॉक्स की बात करें, टूल बॉक्स बेसिकली टूल बॉक्स जो है सीट के नीचे है, यहाँ पे टूल बॉक्स में चले देखते हैं क्या क्या दिया है कंपनी ने। ओके, इसको इस तरीके से खोलना पड़ेगा। और ये आपका प्लाटिना, मतलब CT 100, प्लाटिना, डिस्कवर 100, सब में एक ही टूल किट आता है। सो
बेसिकली इसको मैं निकालने नहीं वाला हूँ। बेसिकली देख सकते हैं अभी इसमें स्पार्क प्लग खोलने के लिए दिया हुआ है। बेसिकली ये जो इंजन है डी टी एस आई है, डी टी एस आई। और इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल रहा हूँ, ये जो ये पे जो लोगो दिया है ना, ये बेसिकली प्लास्टिक का दिखा, ये मेरे उठ गया था ठीक है। ये प्लास्टिक का देख सकते, हिलता भी है, दिखा रख सकें देख सकें ठीक है। ये प्लास्टिक का दे उठ जाएगा, आपको चिपकाना पड़ेगा। और इसमें आप बेसिकली दो स्पार्क प्लग हैं ये खोलने के लिए, आपका स्क्रू ड्राइवर और ये आपका ये कुछ होगा ताकत लगाने के लिए। और ये पे यहाँ पे जो है ये भी आपका कुछ इसको होल्ड करने के लिए, शायद इसको होल्ड करने के लिए ये पत्ती दिया हुआ है। सो बस यही चार दिया हुआ है। सो फटाफट इसको लगाते हैं। और यहाँ पे ये जो है इसको यहाँ पे लगाइए, और अगर टूल किट सिक्योर हो गया है तो फटाफट इसके क्या करते हैं, सीट को लगा देते हैं। और उसके बाद और डॉक्यूमेंट्स की बात करें, बेसिकली डॉक्यूमेंट्स जस्ट एक पर्ची दिया था, और ये आपका सर्विसिंग मैनुअल बुक, और मेरे मुझ में एक बेसिकली ऐसा की मिला था ठीक है, लॉकेट मिला था। और सर्विस मैनुअल मैंने पहले भी दिखा चुका है इसका, कौन कौन सा सर्विसिंग यहाँ पे देख सकते हैं। इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसका मैंने एक वीडियो बनाया था जब मैंने इसका डिटेल्स दिया था, तो यही था ये आपका 110 cc का। और बेसिकली सर्विसिंग बजाज जो बोल रहा है, बेसिकली यहाँ पे लिखा है बजाज बोल रहा है कि आप बेसिकली कहाँ पे ओके 500 to 7 750 किलोमीटर पे फर्स्ट सर्विस होगा, सेकंड सर्विस जो है 4,500 to 5,000 और लाइक 240 डेज, और थर्ड सर्विस जो होगा 9,500 रुपये लाइक हर फास्ट सर्विसिंग के बाद हर 5,000 किलोमीटर गैप देके आपको सर्विस करना है। बट ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं रिकमेंड करूँगा आप सर्विसिंग के ऊपर एक अगर वीडियो चाहते तो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा मैं, अगर आप कमेंट करते तो मैं रिकमेंड करूँगा 2,500 से 3,000 के बीच में आप सर्विसिंग करें, आपका बाइक अच्छा चलेगा। और ये आपका वही बुक लाइक प्लाटिना 100, प्लाटिना यहाँ पे एक साथ दिया हुआ है जो कि है प्लाटिना 100 का और प्लाटिना 110 का, और 5 ईयर वारंटी, 75,000 किलोमीटर इसके बाइक का वारंटी है। के लिए वाला जो ऑयल है, फर्स्ट सर्विसिंग आप बजाज से करवाइए, और सेकंड सर्विस या थर्ड सर्विसिंग के बाद अपना जो ऑयल है कोई मोतुल डाल सकते हैं, कोई कैस्ट्रोल डाल सकते हैं, आप अपने ऊपर है। तो ये वाला ऑयल इसमें डालते हैं 10 रुपये 30, देख लो भाई। सही था कुछ वीडियो दोस्तों, तो लॉकडाउन चल रहा है अभी, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो बेसिकली मैं अभी घर पे ही हूँ, ज़्यादा बाहर नहीं निकला हूँ। मेरे घर पे थोड़ा सा स्पेस है, इसलिए मैं ऐसा बाइक निकाल के स्टार्ट कर पाता हूँ, वीडियो शूट भी कर लेता हूँ। तो आपको वीडियो को पसंद है तो लाइक करना है, और मेरा एक वेबसाइट है www.theindianoxhub.com, वहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिल जाएगा। बेसिकली एक ब्लॉग पोस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से एक बार वेबसाइट विजिट कर लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। और आपको वीडियो पसंद है जरूर लाइक करना है, अगर आप लाइक नहीं करते मुझे पता भी नहीं चल रहा कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे ऐसे कंटेंट लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। तो बेसिकली आपको प्लीज़ लाइक करना है वीडियो को अगर पसंद आए, अगर नहीं पसंद आता है तो मुझे कमेंट करना है कि मैं कैसे वीडियो शूट कर सकता हूँ, कंटेंट नहीं ला सकता हूँ, आपको कमेंट करना है। और डिसलाइक भी करना है अगर ना पसंद आए तो, और वीडियो आपको शेयर करना है फेसबुक जो भी है। चलिए इस वीडियो ख़त्म करते हैं, जय हिंद वंदे मातरम, मिलता है नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, भारत माता की जय।